फिर से स्वागत है आप प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट में। मैं हूं राहुल कुमार, जो कि आप लोग के लिए लाता हूं बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस, स्टडी मटेरियल्स, टिप्स, ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट। अगर आप न्यू विजिटर हैं या हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाइए वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ ही बगल में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दें और शामिल हो जाए हमारे साथ एजुकेशन के इस क्रांति में। तो सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आप बच्चों का, क्योंकि आपने हमें इतना पसंद किया, हमारे वीडियोस को बहुत ज़्यादा विजिट किया, लाइक किया और शेयर भी किया। और अगर हमारे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर करें। तो इस वीडियो में आप बच्चों के डिमांड पे मैं लेके आया हूँ तीनों सेट्स में पूछे गए अलग अलग ऑप्टिक्स के आंसर्स का, अलग अलग ऑप्टिक्स का जो न्यूमेरिकल पूछा गया है उसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आया हूँ। बहुत सारे बच्चों ने रात से मुझे कमेंट किया तो मैंने सोचा कि आज सबसे पहले सुबह उठ के क्लास लेके सबसे पहले आप लोगों का मैं काम करता हूँ, तो मैंने तैयार कर लिया आंसर और चलिए अब उसको उसका शुरू करते हैं। इसके साथ ही एक यूपैक नेम लिखने वाला था किसी सेट में, उसका भी मैंने सॉल्यूशन किया है। चलिए तो देखते हैं आज का ये सॉल्यूशन। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस वीडियो में मैंने तीनों सेट्स का यहाँ पे ले रखा है और तीनों सेट्स में पूछे गए ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल को मैं बारी बारी से सॉल्व करूंगा। साथ ही सेट थ्री में पूछे गए यूपैक नेम को भी मैंने बनाया है। तो सबसे पहले मैं सेट वन शुरू करूंगा और कोई भी आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिए, देखिए पहले सेट वन का आएगा ऑप्टिक्स का, फिर सेट टू का आएगा, सेट थ्री का आएगा। वीडियो अगर आप बढ़ा देते हैं तो पिक्चर क्वालिटी खराब होने की वजह से हो सकता है आप नहीं समझ पाए, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, पिक्चर क्वालिटी आपके क्वेश्चन आंसर तक पहुँचते पहुँचते सही हो जाएगी और अच्छे तरीके से आप उसको देख पाएंगे। और इसके साथ ही आपको नॉलेज भी मिलेगा कि किस तरह से सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, क्योंकि सारे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेटेड थे, तो आपको समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। बहुत छोटा वीडियो है, 5 मिनट के अंदर का। चलिए तो शुरू करते हैं और सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन बी नंबर में, ये क्वेश्चन या फिर इंग्लिश में ये क्वेश्चन, ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, ऑब्जेक्ट का जो हाइट दिया हुआ था उसको मैंने यहाँ पे ओ कंसिडर किया है, ये 5 सेंटीमीटर है। U हमेशा से निगेटिव होता है, इसके लिए चाहे वो लेंस हो या चाहे वो मिरर हो, कोई भी मिरर हो, हमेशा U यानी लेफ्ट साइड में माना रखा जाता है ऑब्जेक्ट को, तो ये हमेशा निगेटिव होता है, -20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो होता है वो निगेटिव होता है, तो यहाँ पे इसका फोकल लेंथ निगेटिव मैंने लिया है। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया है, मिरर फार्मूला अप्लाई कर दिया है। मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। इसको करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल कैलकुलेशन, मैंने यहाँ पे जो प्लस माइनस कंसीडर किया है सब पुट करके यहाँ पे फुल कैलकुलेशन हुआ है। 1/-30 cm = 1/v, यहाँ पे हम v कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूला को अप्लाई किया है हमने, तो यहाँ पे +1/-20 cm। फिर यहाँ पे आप सिंपल सा कैलकुलेशन देख सकते हैं, 1/v इधर ही रह गया और यहाँ पे इसको मैंने उधर भेज दिया, तो ये हो गया पॉजिटिव और ये नेगेटिव रह गया। फिर यहाँ पे सिंपल सा एक एलसीएम करके और मैंने v का वैल्यू जो है जो 60 सेंटीमीटर ले आया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इसके फोकल लेंथ से कम है, तो कॉन्वेक्स लेंस में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब ऑब्जेक्ट के जब मिरर के फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो वर्चुअल इमेज बनता है, और यही कारण है कि यहाँ पे जो हमारा भी है वो पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव में 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे इमेज विल बी फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर राइट टू द इमेज, नहीं यहाँ पे मिरर होगा, 60 सेंटीमीटर राइट टू द मिरर। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले तो प्लस निकल गया, इमेज का प्लस निकल गया, उसके बाद मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर में -m = -v/u, लेंस में ये प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस बी का जो वैल्यू था 60 वो मैंने पॉजिटिव में रख दिया और यू का वैल्यू मैंने -20 सेंटीमीटर जो ऊपर में दिया हुआ था वो लिख दिया इज इक्वल टू 3 टाइम्स, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का
जो हमारा जो ऑब्जेक्ट का हाइट है उससे 3 टाइम ज्यादा बनेगा ये। तो क्या क्या किया मैंने, तो आई को इमेज निकालने के लिए आई बटा ओ, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है आई बटा ओ, यानी हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया है वो आया है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेट वन का जो न्यूमेरिकल था ऑप्टिक्स का वो खत्म हो चुका है। अब चलिए सेट टू की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बी नंबर हिंदी या इंग्लिश में जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कनकेव लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज ऑब्जर्व टू बी रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स साइज, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए तो देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो जो भी गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कॉनकेव, कनकेव लेंस दी, यहाँ पे देखिए कनकेव लेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, जो फोकस होता है वो निगेटिव होता है फोकल लेंथ कनकेव लेंस का। तो यहाँ पे -20 सेंटीमीटर मैंने रख दिया है। और उसके बाद मैग्निफिकेशन 1/3, मैं आपको बताने देना चाहता हूँ कनकेव लेंस में जो है मैग्निफिकेशन जो है पॉजिटिव लिया जाता है, और सेट थ्री में जो क्वेश्चन था उसमें यही दिया हुआ था, केवल लेंस था कन्वेक्स। तो कन्वेक्स लेंस में ये जो लिया जाता है वो निगेटिव लिया जाता है फॉर रियल इमेज। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन 1/3 दिया हुआ है। लेंस में मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से उसको मैंने एम इज इक्वल टू बी बाई यू अप्लाई करके और वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया, यू इज इक्वल टू 3b। अब सिंपली मैंने क्या किया, लेंस फार्मूला लगा दिया। लेंस फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसका f का वैल्यू रख दिया, b को ऐसे ही छोड़ दिया, और u का जो वैल्यू यहाँ पे 3b आया है वो मैंने यहाँ पे रख दिया। LCM लेने के बाद और पूरे कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे जो हमारा b का वैल्यू, v का जो वैल्यू आता है वो आता है -40/3 सेंटीमीटर। यानी कि जो इमेज फॉर्म हो रही है वो हो रही है, क्योंकि जानते ही हैं कि कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस में जो इमेज फॉर्म होता है वो लेफ्ट साइड में ही होता है, तो ये निगेटिव आया है। अब हमसे पूछ रहा था कि u का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ था व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। तो u निकालना है हमको, तो u इज इक्वल टू 3b अभी मैंने ऊपर किया था। तो जैसे ही हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -40 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे मिल जाता है। दैट इज द ऑब्जेक्ट इज एट 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस लेफ्ट साइड में। ओके, लेफ्ट ऐसे भी u लेफ्ट ही लिया जाता है। अब चलिए सेट 3 पे चलते हैं। तो सेट 3 में यूपेक नेम भी था, यूपेक नेम के बाद मैंने ऑप्टिक्स बनाया है। तो चलिए ये यूपेक नेम जो है उसका सॉल्यूशन देखते हैं, और उसके बाद ऑप्टिक्स का भी है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। यूपेक नेम, वन मिनट। तो यहाँ पे सेट 3 का जो यूपेक नेम था, इसमें फर्स्ट में आप देख सकते हैं ये एल्कोहल है और ये इसमें कार्बन का 1 है, तो ये सिंपली मेथनॉल है, बहुत ही ईजी था। अब ये आप देख सकते हैं ये एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड है, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड CHO, तो ये एल्डिहाइड 1 और 2, तो यहाँ पे आपका जो है एल्डिहाइड सिंगल बॉन्ड CHO, तो ये हो गया 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का इथा, तो ये हो गया इथेनल। ठीक है, इथेनल एल्डिहाइड का AL लगता है। फिर 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं दोनों डबल बाउंड, दोनों और सिंगल बाउंड, और बीच में ये ओ डबल बाउंड के साथ, तो ये कीटोन है, तो ये यहाँ पे कार्बन हो गया 3, तो 3 का प्रोपा, और उसके बाद कीटोन का नॉन ऑन, तो ये हो गया प्रोपेनॉन। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे COOH, ठीक है, तो ये जो हमारा है जो ओइक एसिड है, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन 2, तो इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे चारों जो आपने यूपेक नेम है वो आपका ये होगा। चलिए अब ऑप्टिक्स की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको बी नंबर में ऑप्टिक्स का क्वेश्चन यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिख रहा होगा। द साइज ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसमें कुछ नहीं है, सब बस सारा चीज वही है, केवल लेंस को कनकेव के बदले इसमें कन्वेक्स कर दिया है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि इसमें एक टेक्निक है। एफ इज इक्वल टू यहाँ पे होगा +20 सेंटीमीटर, क्योंकि प्लस लेते हैं, और इस यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है वो निगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो रियल बन रहा है। अब बोलो कि आपको कैसे पता चला सर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रिड्यूस्ड, ठीक है, तो
कन्वेक्स लेंस में केवल एक ही कंडीशन बनता है वर्चुअल का, और उसमें वो रिड्यूस नहीं करता है साइज, वो मैग्निफाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो रियल के लिए है, तो रियल के लिए मैग्निफिकेशन निगेटिव लेंगे। एम इज इक्वल टू बी बाई यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे यू का वैल्यू -3 भी आया, पिछला बार में +3 भी आया था। नाउ यूजिंग लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, और लेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे पूरी पुटिंग कर दी है, तो ये +3 भी हो गया यहाँ पे, तो 3 भी यहाँ पे एलसीएम हो गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 जुड़ के हो गया 4। तो इस बार जो हमारा वैल्यू निकला है वो 40/3 माइनस में नहीं निकल के निकला है 80/3 सेंटीमीटर। तो फिर यू निकालने के लिए मैंने -3 भी का अप्लाई किया, और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया है वो आया है -80 सेंटीमीटर। तो अगर आपको -80 सेंटीमीटर आया है तो बिल्कुल सही है आपका। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जाइए लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को। और नेक्स्ट एग्जामिनेशन के सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, और नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए फिर इंग्लिश के लिए भी मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, मैथ और साइंस के मार्किंग स्कीम पे मैं करने वाला हूँ वीडियो अपलोड। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल।